ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तक किसने किसने शिकार किया वो हाथ खड़ा करो, जिसने एक किसी को पक्का बीके बनाए हैं ऐसे कोई हाथ खड़ा करो। बस एक दो चार बाकी, चलो आज से शुरू करो। इस 2020 में अब कितने मास बाकी है? 8-9 महीना बाकी है, तो इस 9 महीने में कर जितना चाहिए बना सकते हैं, तो कम से इतनी शेयर होल्डर बनाओ। दादियों की स्थिति अच्छी क्यों बनी? क्योंकि दादियों ने बहुत लोगों को बीके बनाया, वो बाबा बाबा करते थे, उनको सुख मिलता था, उसकी आधी दुआ दादियों को भी मिलती थी, इसलिए अपने शेयर होल्डर बनाओ। शिकार करने का शौक चाहिए, वो राजा बनेगा। अभी भी आप समझो कल परसों ही विनाश हो जाएं, तो आप क्या बनने वाले फिर? अभी तक के पुरुषार्थों अनुसार चेक करो। अभी भी मैं कर्मेंद्रिय का अधीन हूं, मैंने इंद्रियों के अधीन हूं, तो क्या बनेंगे? इसलिए विनाश तो अभी होने वाला था, लेकिन बाबा ने आपके पुरुषार्थ के लिए आज का विनाश रोका हुआ है। बच्चों ने कुछ किया नहीं, इसीलिए बच्चों के लिए मैं विनाश रोकता हूं, लेकिन बाबा इसका भी हिसाब लेगा। मैंने विनाश को रोका था, उस दिन को तुमने कैसा यूज किया? पर चिंतन करके, टाइम वेस्ट करके, टीवी देख करके? इसलिए एक एक दिन को बाबा हमको देता है चांस, कुछ करें हम, इसलिए यूज करो। और राजा की निशानी क्या होते हैं? तीन निशान बताई, पहली कौन सी? पहली बताई राजा वो है जो कोई भी इंद्रिया अगर धोखा देती है उसको शिक्षा देना, सजा देना। दूसरी कौन सी बताई? जो दान करता वो राजा है। तीसरी जो शिकार करता वो राजा है। चौथी निशानी राजा वो है, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, क्यों? भगवान को प्रसन्न करना है, किसको तोड़ते हैं? नारियल को। अगर कोई मकान का उद्घाटन करना है, कोई फाउंडेशन स्टोन बनाना है, कुछ भी, कोई गाड़ी का उद्घाटन करना है, तो क्या करते हैं? नारियल को तोड़ते हैं, आम को नहीं तोड़ते। लेकिन नारियल फलों का राजा नहीं बना, फलों का राजा किसको बोला? क्यों? उससे भी ज्यादा चीकू मीठा होता है, और भी फल मीठे होते हैं। वास्तव में आम को फलों का राजा इसीलिए कहते हैं, आम के साथ सबका प्यार ज्यादा होता है, आम के साथ ज्यादा प्यार होता है, नारियल के साथ प्यार। निशानी क्या है? जब आम का सीजन आता है, आम को लेकर मुंह में चूसेंगे, डालेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, प्यार कर रहे हैं उसे, ये प्यार कर रहे हैं। और आम को लेकर, नारियल को लेकर चूसो, जो सूखा नारियल लेकर गए हैं चूसो उसको, 32 दांत है वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, और ही भूसा मुंह में जाएगा। तो राजा वही बन सकता है जो सबका प्यारा है।